नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज ये जो मेरा हिस्ट्री का पार्ट है वो मिडिवल हिस्ट्री का 7वां पार्ट होगा। इसके पहले मैंने एंशियंट हिस्ट्री जो है 13 पार्ट में ख़त्म किया था, और इसके पहले जो अभी जो मिडिवल हिस्ट्री का 6 पार्ट तक मैंने ख़त्म कर चुका हूँ। तो जो मैं एंशियंट हिस्ट्री का, यदि आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के एंशियंट हिस्ट्री का सारा वीडियो देख सकते हैं। और फिर जो हमारा जो ये अभी मिडिवल हिस्ट्री का 6ठा पार्ट तक हो चुका है, मैंने उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर के पिछले के 6 पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री का जो आज हमारा ये 7वां पार्ट होगा, तो मैं 7वां पार्ट स्टार्ट करने से पहले, तो आपको पता ही है कि मैं हर बार जो पिछला क्लास का क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ, तो मैं उस कल जो पिछले क्लास का जो 6ठा पार्ट का था, मैं उसका कुछ क्वेश्चन आंसर रिवाइज करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये सब्सक्राइब बटन को इस तरह से दबा लें और ये बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दें, ताकि जो हम लोग भी कोई भी वीडियो आपको अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वहाँ से आप तुरंत वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इस पार्ट में जो है हम लोग सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहमनी साम्राज्य का पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज के पार्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य का उदय कब हुआ था? तो 1347 ईस्वी में इसका उदय हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? तो अब पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि इसने धारण की थी, और इसी बहमन शाह से जो बहमनी बना इनका साम्राज्य। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में बहमनी राज की स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इनके ही शासनकाल में बहमनी राज की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि बहमनी राज की राजधानी कहाँ थी? तो उसका उत्तर होगा गुलबर्गा। गुलबर्गा जो है बहमनी राज की राजधानी थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन है कि बहमन शाह ने अपने राज्यों को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सा था? तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार तथा बीदर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज के विभिन्न भागों को क्या कहा जाता था? तर्फ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि बहमन शाह की मृत्यु कब हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर कि 1358 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमन शाह की मृत्यु के बाद गुलबर्गा का गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद शाह प्रथम बैठा था गुलबर्गा की गद्दी पर। अगला क्वेश्चन है कि बहमानी राज का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो फिरोज शाह था। उसके बाद किस शासक ने भीमा नदी के तट पर नवीन नगर फिरोजाबाद की स्थापना की? तो फिरोज शाह द्वितीय ने फिरोजाबाद की स्थापना की थी। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में बहमनी राज की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर ले गया था? तो अहमद शाह के शासनकाल में हुआ था ऐसा। नेक्स्ट है कि अहमद शाह ने बीदर का नाम क्या रखा था? तो मुमदाबाद के नाम से बीदर का नाम रखा था। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास में अहमद शाह वली या संत अहमद का उल्लेख किस शासक के लिए मिलता है? तो फिरोज शाह के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बहमनी राज ने अपने अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में जो था ये बहमनी राज अपने चरमोत्कर्ष पर था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में बहमनी राज की उन्नति के पीछे किसका हाथ था? तो महमूद गवा का, जो कि मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था। ये पिछले पार्ट में मैंने बताया भी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्ला जो है वो बहमनी राज का अंतिम शासक था। बहमनी राज किन 5 राज्यों में बट गया उसके बाद? तो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकंडा और बीदर के में बट गया। 5 स्वतंत्र राज्यों में किसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान था? तो बीजापुर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना कब और किसने की? तो यूसुफ आदिल शाह ने की, जिन्होंने की कब की थी स्थापना? तो 1489 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि आदिल शाह वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है इसका सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के कारण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था अबला बाबा। लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता था? तो जगत गुरु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हिंदी कविता पुस्तक किताब ए नौरस की रचना किसने की थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने इसकी रचना की थी। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन कि
तारीख ए फरिश्ता की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नौरसपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंझरी मस्जिद एवं काली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आदिल शाह वंश के आदिल शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर के आदिल शाही वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सिकंदर आदिल शाह था। उसके बाद तीसवां नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? तो 1686 ईस्वी में मिला लिया था। इस प्रकार जो है आदिल शाही वंश का जो है अंत हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की? तो मलिक अहमद ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना कब हुई? तो 1490 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो मलिक अहमद ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदनगर की स्थापना कब और किसने की? तो अभी मैंने बताया, मलिक अहमद ने 1494 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि मलिक अहमद ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाया। अहमदनगर द्वारा दुर्गा तथा कासिम खां का महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अहमद फिर निजाम शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अहमद निजाम शाह अहमदनगर शहर में स्थित बाग ए रौजा का मकबरा किसका है? तो वह अहमद निजाम शाह का है। अगला क्वेश्चन है कि अहमद निजाम शाह ने किसकी सलाह पर एक महल एवं उद्यान बाग ए हस्त बहिस्त का निर्माण करवाया? तो सलाबत खां गुराजी के इसी सलाह से बनवाया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुसैनाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो हुसैन निजाम शाह द्वितीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि बरार के इमाद शाही वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1409 ईस्वी में फतेह उल्लाह इमाद शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर ने 1596 ईस्वी में किसे इमाद शाही वंश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है कि बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना कब और किसने की? तो 1526 ईस्वी में आमिर अली बरीद ने की थी। किसने की थी? आमिर अली बरीद। और कब की थी? तो 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने की थी। तो गोलकुंडा कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा के किस मुगल शासक ने अपने राज्य में गोलकुंडा को किस मुगल शासक ने अपने राज्य में मिला लिया था? तो औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में इसे अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर का। अब हम लोग अपने आज का पार्ट में आते हैं जो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सूफी आंदोलन में क्या हुआ था और भक्ति आंदोलन में क्या हुआ था। सूफी आंदोलन, जो लोग सूफी संतों से सदस्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था सूफी आंदोलन में। नेक्स्ट क्या है कि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बास सारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। ठीक है, तो सूफी जो धर्म है वो दो पार्ट में विभाजित था। कौन कौन सा? तो संघ बासारा और संघ बेसारा। जो संघ बासारा था वो इस्लामी सिद्धांत के जो समर्थक थे वो थे, और संघ बेसारा जो था वो कौन था? इस्लामी सिद्धांत के जो बंधे नहीं थे या जो समर्थक नहीं थे वो उसके बारे में था। नेक्स्ट है कि भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण संत थे, मतलब ये जो है ये इन्होंने यहाँ जो है कुछ महत्वपूर्ण संत भी यहाँ पे अपने अपने साथ साथ लेके आए थे वहाँ से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काफ़ी और शेख बहरुद्दीन गरीब तथा और बाबा फरीद जो है बख्तियार काकी के शिष्य थे, ये इन लोग को भी लेकर के आए थे। जो संत जो थे कौन कौन थे? तो जो निजामुद्दीन चिश्ती लेकर के आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो लेकर के आए थे संत, वो लोग कौन कौन थे उसमें से? तो निजामुद्दीन औलिया थे, बाबा फरीद थे, बख्तियार काकी थे और शेख बुहारुद्दीन गरीब थे। और ये जो बाबा फरीद हैं ये बख्तियार काकी के क्या थे? शिष्य थे। नेक्स्ट है कि बाबा फरीद की रचनाएँ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। तो बाबा फरीद की रचनाएँ किसमें मिलती है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, कौन कौन से? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर। ठीक है, नेक्स्ट है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में
क्या किया था, दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया के जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन कौन थे, तो शेख सलीम चिश्ती थे, अमीर खुसरो थे और अमीर हसन देहलवी थे। और ये अमीर खुसरो जो थे ये किसके राज दरबार में कवि थे, तो आप इसका जो जवाब है मुझे कमेंट में दे के बता सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेख बुरहानुद्दीन जो है गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को प्रमुख केंद्र बनाया था। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 ईस्वी के सुदृढ़ संचलन का श्रेय शेख बहरुद्दीन जकारिया को जाता है। मतलब स्थापना तो इसने की थी, ठीक है, सुहरावर्दी ने, लेकिन जो इसका जो मेन संचालन जाता है वो किसके किसके हाथों हुआ था, तो बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने सिंध और मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। तो जो सिंध और मुल्तान है इनको क्या बनाया था इन्होंने, मुख्य केंद्र बनाया था। सुहरावर्दी जो है धर्म संघ के क्या थे, तो धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे। और क्या थे ये, तो जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि ये था, ये लोग क्या थे, सुहरावर्दी धर्म के संत थे। नेक्स्ट है कि सुहरावर्दी जो सिलसिला ने राज के संरक्षण को स्वीकार किया था, इसने इन्होंने राज के संरक्षण स्वीकार किया और शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो बिहार था। बिहार आपको पता ही है कि हमारा कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर ने कादिर अल जलानी ने की थी, अल जिलानी ने की थी। भारत में सिलसिला का जो प्रचार है वह ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। तो ये जो भारत में जो सिलसिला का प्रचार था वो किसने किया था, ख्वाजी बाकी बिल्ला के शिष्य जो अकबर के समकालीन थे उसका नाम क्या था, तो शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक ही शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार तथा बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। यहिया जो था यह ख्वाजा निजामुद्दीन का शिष्य था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूफी आंदोलन। अब हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन जो है छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। ठीक है, भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नायनार शैव संतों ने किया था। तो भक्ति आंदोलन का जो विकास किसने किया था, तो 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नायनार शैव संतों ने किया था। नेक्स्ट है कि शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। तो हम लोगों ने जब पल्लव साम्राज्य पढ़ा था, पल्लव वंश, तो उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ा था, महेंद्र वर्मन के बारे में, और ये भी पढ़ा था कि इन्होंने शैव धर्म को स्वीकारा था। तो यहाँ पे देखिए मिल गया कि शैव धर्म जो का जो अप्पार थे शैव संत, उन्होंने क्या किया था, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार कराया था, मतलब इनको दीक्षा दी थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए थे। वे भगवान विठोबा के भक्त थे, विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी जो है बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष जो है पढ़रपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। नेक्स्ट है कि दूसरा समूह जो था पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इनकी जो निर्गुण भक्ति हर विशेष से परे भगवान की भक्ति में आशा थी। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन का कुछ पॉइंट था और हम लोग आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन का कुछ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद के द्वारा लाया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था, तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद के द्वारा लाया गया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। मतलब जो बंगाल में भक्ति आंदोलन को जो करते थे वो कौन करते थे, तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास करते थे। और किसकी भक्ति करते थे, तो कृष्ण भक्ति करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, जो सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास करता था और निर्गुण जो कि भगवान के निराकार रूप को पूछता था। ठीक है, तो मतलब इसमें दो संप्रदाय थे, कौन कौन से, तो सगुण संप्रदाय थे और निर्गुण संप्रदाय थे। तो सगुण कौन थे, जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और निर्गुण जो थे वो भगवान के निराकार रूप को पूछते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
सगुण संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त, और निम्बाकाचार्य, भल्लवाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराभाई जैसे कृष्ण भक्त थे। ठीक है, तो ये थे। और निर्गुण में संप्रदाय में कौन कौन से थे इनके में, तो कबीर थे जो कि भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है जिनको। ठीक है, तो सगुण में कौन कौन आते हैं, तुलसीदास, नाभादास, रामभक्त, निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। ठीक है, और क्या है, तो ये तुलसी और नाभादास जो थे ये राम भक्त थे, और निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई ये लोग क्या थे, कृष्ण भक्त थे। हम लोग कुछ कुछ इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे नेक्स्ट आगे में, तो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा और पॉइंट क्या बोल रहा है। और जो निर्गुण संप्रदाय के थे इसमें कौन थे, कबीरदास थे जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथियों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है इसका, कि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा चार मंतों की क्या किया था, स्थापना की गई थी, जो कि था क्या क्या, तो श्री संप्रदाय जिसकी स्थापना किसने की थी, तो रामानुजाचार्य ने की थी, और विशिष्ट दैव्य इनको बोला जाता था दैव्यावाद, और क्या ब्रह्म संप्रदाय इसकी स्थापना किसने की थी, तो माधवाचार्य ने की थी। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की थी, तो विष्णु स्वामी ने की थी। और आखिरी है सनकादि संप्रदाय, जिसका जो स्थापना किया था वो निम्बार्क आचार्य ने की थी। तो हम लोग अब जो भक्ति आंदोलन के संत के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, तो पहले संत है कौन सा, तो रामानुजाचार्य। ठीक है, जिसने कि ये श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। तो 11वीं सदी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था, तो इनको इन्होंने किसको आराध्य माना था, राम को। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है कवि रामानंद। तो जो रामानंद थे उनका जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में, कहाँ पे, तो प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष एवं एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के संयक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई तथा पीरा पीपा राजपूत। तो प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, तो रैदास थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे और पीपा राजपूत थे। नेक्स्ट है भारत भक्ति आंदोलन में कवि कबीर तो हम लोग सब जानते हैं, कबीर दास, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कबीर का जन्म जो है 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से इन्होंने नवजात शिशु को वाराणसी के लहर तारा के पास एक पंजाब तालाब के समीप छोड़ दिया था। तो इन्होंने ये क्या किए, तो ये विधवा थी और इनको जब पुत्र हो गया तो इन्होंने क्या किया, उस पुत्र को एक तालाब के सामने छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, जुलहा नीरू और उनकी पत्नी नीमा ने इस नवजात शिशु को अपने घर ले आया और इसका नाम कबीर रखा। तो बोल सकते हैं कि कबीरदास को किसने पाला था, तो एक पिता का नाम था नीरू और उनकी माता का नाम था नीमा। तो इन्होंने क्या किया, घर लेके आए थे और इनका नाम कबीर रखा था। ठीक है, कबीरदास ने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में माने, और इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्रह्म अंडवार और मूर्ति पूजा, जप तप, फिर अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। तो इन्होंने सब भगवान को एक माना और ये सब जो इन्होंने किया, जो मूर्ति पूजा, जप तप वगैरह, ये सब को इन्होंने विरोध किया और सिर्फ एक ईश्वर को माना और उसी का उपासना करने के लिए महत्व दिया था। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। ये संत भी थे लेकिन गृहस्थ जीवन का भी इन्होंने पूरा का पूरा निर्वाह किया था। इनके अनुयायी जो थे कबीरपंथी कहलाए और कबीर के उपदेश शबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित थे। ठीक है, नेक्स्ट कवि हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब नानकाना साहिब के नाम से विख्यात है। और ये नानकाना साहिब जो कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम जो था कालूराम था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी थी। ठीक है, और जो बेटी थी वो सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था। किनका, तो गुरु नानक जी का। उसके बाद उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था। तो उन्होंने जो पूरा जो भारत और पाकिस्तान जो उसमें मिला हुआ पूरा एक देश था उनका 5 बार चक्कर लगाया था।
जिसे उदासीस कहा जाता है, ठीक है, जो 5 बार उन्होंने चक्कर लगाया था उस चक्कर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उदासीस बोलते हैं। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद की को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो जो उन्होंने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं माना, उन्होंने किसको माना, तो अपना जो शिष्य था उनका भाई लहना अंगद को उसने उन्होंने उसको अपना उत्तराधिकारी माना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि इनकी जो मृत्यु हो गई वो कब हो गई, 1539 ईस्वी में। कहाँ पे हो गई, तो करतारपुर में हो गई। ठीक है, अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और उसका जो इनकी मृत्यु हो गई वो कब हो गई, तो 1539 ईस्वी में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है कवि चैतन्य स्वामी। तो चैतन्य स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 1486 ईस्वी में नदिया, जो कहाँ है, बंगाल में है अभी, के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम जो था जगन्नाथ मिश्र था, और माता का नाम जो था वो सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमई पंडित कहा जाता था। जो पाठशाला में चैतन्य को जो क्या बोला जाता था, तो निमई पंडित बोला जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित भेदा भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए। मतलब ये सन्यासी बनने के बाद कहाँ चले गए, बंगाल छोड़कर पूरी जो है पूरी चले गए। पूरी कहाँ है, तो मतलब उड़ीसा में है, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। तो पूरी पूरी चले गए, तो पूरी में हम लोग को पता है कि उड़ीसा में कहाँ है, जगन्नाथ मंदिर है, पूरी में जगन्नाथपुरी का मंदिर है। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, 2 दशक मतलब 20 साल तक वहाँ पर जगन्नाथ भगवान की उपासना की। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन में कवि श्री मधव वल्लभाचार्य। ठीक है, तो जो मधव वल्लभाचार्य थे, इनका जन्म हुआ था 1479 ईस्वी में। कहाँ पे, तो चंपारण वाराणसी में हुई थी। ठीक है, इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम जो था वल्लम गुरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, कौन कौन से, तो गोपीनाथ जिनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था, तथा विट्ठलनाथ जिनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इसके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। तो ये वल्लभाचार्य थे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास तो हम लोग सब जानते हैं कि रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो रामचरितमानस क्या था, तो वो जो रामायण जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था संस्कृत में, उन्होंने उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था और इन्होंने ही उसे हिंदी में नाम देकर रामचरितमानस लिखा था। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था। कब हुआ था, तो 1554 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कवि रैदास। तो रैदास जो ये थे, ये जाति के चमार थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरबुनिया था। ये जूता बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। ठीक है, ये जो जूता पहनाते थे और उसके बाद जो है और उसी से अपना पेट भरते थे। उसके बाद क्या है कि मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु माना था और इन्हें रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। तो मीराबाई जो थी उन्होंने क्या किया था, इन्हें अपना गुरु माना था और इन्होंने जो है रैदास ने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि कवि धन्ना। जो धन्ना जी का जन्म हुआ था 1415 ईस्वी में, एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मतलब इनके बारे में ये कहावत है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को जो है भोजन करवाया था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1415 ईस्वी में। इनका नाम क्या था, कवि धन्ना। ठीक है, कौन से परिवार से थे, तो जाट परिवार से थे। आखिरी है कौन से, तो भक्ति आंदोलन में कवि दादू दयाल। ये क्या थे, ये कबीर के अनुयायी थे। मतलब ये कबीर को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, और क्या थे, इनका जन्म 1545 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध दुनिया जाति से था। ठीक है, दुनिया जाति से इनका संबंध था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया। तो मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सांभर में ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी और अकबर ने क्या किया था, इन्हें धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सिकरी बुलाया था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में क्या है, तो बुलंद दरवाजा है, आप लोगों को पता होगा। वो हम लोग आगे नेक्स्ट जो जब कल से हम लोग जब मुगल साम्राज्य स्टार्ट करेंगे तो फिर बताएंगे कि फतेहपुर सिकरी जो है वो किसने बनाया था, मतलब किसने स्थापित किया था और वहाँ पर बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्होंने निष्पक्ष
नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो निपक्ष नामक जो है आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 7वां पाठ मध्यकालीन भारत का। तो आगे जो हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट बाबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका बेटा जो हुमायूं था, इसके इस तरह से हम लोग मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है अपने घर में आराम से रहें, अच्छे से रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जब तक अभी हम सरकार हमें छूट नहीं देती है तब तक अपने घर में ही रहें। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।